नमस्कार, एक बार फिर अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम नरेशन के उस पड़ाव पे आ गए हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाता है तो उसके लिए क्या-क्या नियम फॉलो करते हैं, आज हम अपने इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। आइए हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल सोचते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम रूल्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल टेकअप कर रहे हैं। फादर सेड टू हिज सन, डू यू नॉट गो, डू यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में रिपोर्टेड स्पीच आया हुआ है। इसमें इनडायरेक्ट रूप में देख रहे हैं कि रिपोर्टेड सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका स्वरूप यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। इसके रूल्स को फॉलो करने के पहले आइए हम एक बात ही जान लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्वरूप कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह हो सकते हैं और उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। पहले हम ये जान लें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक वो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, जो कि इनफ होता है, और दूसरा वो जिसका उत्तर पूरे वाक्य के रूप में देना पड़ता है। तो आइए देखते हैं किस तरह क्या रूप होता है ऐसे प्रश्नों का। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेलेक्ट किया हुआ है ये सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं ये सहायक क्रिया, डू डज डिड आर विल कैन इत्यादि सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया से जब शुरू हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर यस या नो के रूप में होता है। जैसे कि पिता ने अपने बेटे से पूछा, डू यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, डू यू नॉट गो टू कॉलेज टुडे, तो उसका बेटा यस या नो के रूप में कह सकता है। तो जब यस या नो के रूप में उत्तर हो जिस प्रश्नों का उसके लिए क्या फॉलो करते हैं। और दूसरा, अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, एक पहला प्रश्न जो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला होता है, ये आप दिमाग में रखें, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला होता है। इसका आंसर यस या नो में होता है, जबकि इसका आंसर सेंटेंस के रूप में होता है, सेंटेंस के रूप में होता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, जिन्हें डब्ल्यू एच वार वाई वेन वेयर इत्यादि, ये डब्ल्यू एच वर्ड भी निकाला जाता है। ये क्या कहता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स, इन्हें डब्ल्यू एच वर्ड्स भी कहा जाता है, वार वाई वेयर वेन इत्यादि। तो इनका सेंटेंस रूप में आंसर होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यश या नो के रूप में आंसर होता है। तो आइए हम अब इसके रूल्स को देखते हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो ये किस तरह क्या फॉलो किया जाता है, इसमें किस रूप में इसको चेंज होकर के आता है, आइए देखते हैं। और दूसरी बात, अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में देखा कि उसमें
सबसे पहले इंडोटेड कमा को हटाने के बाद कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते थे। तो इसमें आप पहला पॉइंट हमेशा जाने, इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान में देना होगा। तो क्या होगा, तो इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होगा, इससे जब ये सहायक क्रिया के रूप में होगा, कंजंक्शन के रूप में इसमें इफ या वेदर इस्तेमाल हो जाएगा, इफ या वेदर इस्तेमाल हो जाएगा। हम इसको और स्पष्ट करेंगे जब हम इसको देखेंगे, जैसे कि देखते हैं फादर, अभी जो शेड है यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड होता था, इसमें आस्क्ड हो गया, आस्क्ड हिज सन। आप कंजंक्शन दैट का प्रयोग ना करके इसमें इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ यू प्रोनाउन में वही नियम, If he did not go to college, that day, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कि फादर asked his son if he did not go to college, तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग ना होकर के इफ का आया। फिर उसके बाद देखते हैं इफ के बाद स्ट्रक्चर कैसा हुआ है इसका। इफ के बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पर ठीक वही नियम फॉलो हुआ है जो असर्टिव सेंटेंस में फॉलो होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि इस डू को हटा के हम इफ या वेदर के रूप में कर दिए, फिर इसको मान लिए कि ये असर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड हो या सहायक क्रिया हो, उस सहायक क्रिया को हम हटा देंगे थोड़ी देर के लिए मंच में, और ये जो बाकी है इसको हम हटाने के बाद अगर असर्टिव सेंटेंस हो तो इसका क्या रूप होता, यू डू नॉट गो टू कॉलेज टूडे, तो ठीक इसका यहाँ पे क्या हो गया, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज दैट डे, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस का रूल फॉलो हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ या वेदर कंजंक्शन के स्थान पे लगाने के बाद बाकी जो सेंटेंस बच रहा है इसमें वही नियम फॉलो कर देते हैं जो असर्टिव सेंटेंस के रूप में करते हैं या करते अगर ये असर्टिव सेंटेंस के रूप में होता तो ये सहायक क्रिया के से शुरू होने वाले क्वेश्चन से शुरू होने वाले नरेटिव सेंटेंस नरेटिव उसमें नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच में जब होता है क्वेश्चन वर्ड्स से नहीं बल्कि सहायक क्रिया से, तो उसमें क्या नियम होते हैं ये क्लियर हो गया। अब हम ठीक इसके बाद क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले का भी एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंस खास नहीं है, सिर्फ बहुत थोड़ा सा है जो आप आराम से अपने स्थिति से देख सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स अब आप देख लेते हैं इसको, इसी सेंटेंस को अगला जो सेंटेंस होगा हम इसमें शुरू कर देते हैं, व्हेन व्हेन When will you go to the college today? सेंटेंस चेंज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया तो क्या हो गया, When will you go to college today? तो एक बार फिर से कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर इफ या वेदर के स्थान पे इसमें क्या हो जाता है,
इफ या वेदर के स्थान पे इसमें जो ये क्वेश्चन वर्ड होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड को ही यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। तो ये यहाँ देखेंगे किस तरह ये कंजंक्शन के रूप में हुआ तो क्या हो गया। तो यहाँ पे एक या वेदर लगा तो सीरीज लगी व्हेन, अब विल है तो विल का क्या हमने बताया था फ्यूचर टेंस में वुड हो जाता है, तो व्हेन ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे, चेंज होकर के क्या आया ये वुड हो गया विल के स्थान पे और ये कंजंक्शन के रूप में हो गया। तो एक बार इसमें भी हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन दैट के स्थान पे जैसे इफ या वेदर उसमें यूज हुआ था सहायक क्रिया से शुरू होने वाले में, तो इसमें इफ या वेदर के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन मान लेते हैं और बाकी नियम वही असर्टिव सेंटेंस वाला लगा देते हैं। फादर आस्क्ड हिज सन व्हेन ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमें पूरा विश्वास है कि इंट्रोगेटिव जो नरेशन का सबसे आसान समझने के लिए माना जाता है भाग, तो इसे आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बार हम आपको फिर कहते हैं, जो आज पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन टच करें और अपने ही तरह के अन्य लोगों को इसे शेयर करें उनके साथ, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके आपकी तरह और वो भी इसके अच्छे से इस्तेमाल करके कंपटीशन में सफल हो सके और अपने नॉलेज को और प्रूव कर सके। इसके साथ नमस्कार, कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर टू बी टर्नड अप ऑलवेज इन योर लाइफ। सो विद दिस ऑप्टिमिस्टिक मैसेज, इस आशा भरे संदेश के साथ शुभकामनाएं आपको, नमस्कार।